ओम श्री सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 12, प्रवचन 2, संतों की वाणी व्यर्थ नहीं होती, पार्ट 4। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया, एक शहर से बाहर जंगल में एक पहुंचे हुए महात्मा रहते थे, जिसे वहां के राजा गुरु करके मानते थे। एक दिन जब राजा वहां आया तो संत समाधि में बैठे हुए थे। राजा घोड़े से उतरा और उसे पेड़ से बांधा, तालाब पर जाकर कुल्ला किया, पैर धोए, भजन करता हुआ अंदर आया। अंदर आकर महात्मा के चरण छुए। राजा ने कहा, मुझे कोई ऐसी शिक्षा दीजिए कि उसे याद करते करते मेरा जीवन सवर जाए। संतों की मौज अपनी है, जो भी शब्द मुख से निकले वो अमृत वचन है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनमिल अखर अर्थ न ज्ञात। संतों की वाणी बिना मेल के अक्षरों वाली है। भले अक्षर भी पूरा ना हो, वजन भी पूरा ना हो, छंद भी पूरा ना हो, संत के मुख से निकला हुआ वचन मंत्र है। महात्मा मौज में बैठे हुए थे, क्या देखते हैं? सामने एक तालाब के भंवर में एक लकड़ी है, उस पर एक कौवा बैठा है। वो कौवा अपनी चोंच पानी में भरता, फिर उसे लकड़ी पर घिसता, फिर चोंच में पानी भरता, लकड़ी पर घिसता। महात्मा का ख्याल उधर चला गया। राजा ने कहा, साईं कुछ सीख बताइए ना। महात्मा ने ये श्लोक बताया, घसत घसत घसतावत, घस घस लावे पानी, जिस बात को तू घसावत, सा बात मैंने जानी। ये श्लोक संत ने बनाया कौवे को देखकर कि अरे कौवे, तू बार बार अपनी चोंच पानी में डालकर फिर घिसता है, मैं तेरी बात जानता हूँ, तेरी ये चोंच किसी खराब चीज में गई है। इसका मतलब इतना गहरा भी नहीं है। घसत घसत घसतावत, घस घस लावे पानी, जिस बात को तू घसावत, सा बात मैंने जानी। राजा ने भी श्लोक सुना और जाना कि ये श्लोक साधारण है, पर भाई संत के मुख से निकला है तो उसको याद कर लिया। संत के मुख से निकला हुआ श्लोक राजा बोलता हुआ घर जा रहा था ताकि याद हो जाए। आया घर, स्नान पानी किया, सारा दिन श्लोक याद करता रहा। अगले दिन सुबह नाई आया जो उसके बाल बनाता था। राजा आगे बैठा। नाई ऐसा इंसान है जिसके आगे झुकना ही पड़ता है, तो राजा के बाल बनाने के लिए नाई आया था। उस वक्त वो पाकी को तेज कर रहा था, पानी में डालता फिर तीखा करता, फिर पानी में डालता फिर तीखा करता। इस पर राजा को श्लोक याद आ गया और वो बोला, घसत घसत घसतावत, घस घस लावे पानी, जिस बात को तू घसावत, सा बात मैंने जानी। ये सुनकर नाई हिल गया। उसने सोचा, मैं जिस इरादे से पाकी तीखी कर रहा हूँ वो राजा को पता चल गई। उसने पाकी फेंक दी, पछताने लगा, रोने लगा, राजा से रो रोकर माफी मांगने लगा और कहा, मैं गुनहगार हूँ। राजा ये सुनकर गंभीर हो गए, सोचा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राजा ने कहा, जल्दी सब बातें सच सच बताओ, वरना तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। नाई ने कहा, आपका जो छोटा भाई है उसने मुझे कहा है, जो मेरा बड़ा भाई राज्य कर रहा है वो मेरा राज्य है। जब तुम उसके बाल बनाने जाओ तो उसकी गर्दन पर वार करना, जिससे मुझे हमेशा के लिए उससे छुट्टी मिल जाए और राज्य मैं ले लूं। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे कुटुंबियों सहित तुझे जेल में डाल दूंगा। इसी इरादे से मैं पाकी तेज कर रहा था ताकि बाल काटते वक्त आपका गला काट दूं, पर आपको पहले से ही पता चल गया। राजा सोचने लगा, श्लोक में तो साधारण बात है, गंभीरता नहीं है, और मैं भी इसे याद करने के लिए ही पढ़ रहा था, पर संतों की वाणी से आज मेरी जान बच गई। राजा ने नाई से कहा, तुम चिंता मत करो। इधर राजा ने अपने भाई को गिरफ्तार करवा लिया। देखिए, ये है संतों की वाणी की महिमा। साधारण श्लोक था पर अर्थ कितना गंभीर। संतों के मुख से निकला था इसलिए इतनी शक्ति थी उसमें। संतों की, गुरु की, ईश्वर की, गीता की वाणी में जितना विश्वास करेंगे उतना आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।